तो कुछ दिन पहले मैं गया था कोटा और ज़्यादा ऐसी घूमने के लिए, जो कि मैं पेपर से फारिग हो चुका था और विंटर वेकेशन के रास्ते सब फारिग थे। तो हम सोचा क्यों ना एक शॉर्ट ट्रिप हो जाए 5 दिन का कोटा और ज्यारत के लिए। तो वेनसडे 25 दिसंबर एग्जैक्टली 5 बजे सुबह को हम निकले अपने कराची से डायरेक्ट कोटा के लिए। सुबह 5 बजे निकलोगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि एग्जैक्टली 11 से 12 घंटे की ड्राइव है यहाँ कराची से कोटा तक, और अगर यहाँ से जल्दी निकलोगे तो वहाँ जल्दी पहुँचोगे और ज़्यादा वहाँ एक्सप्लोर कर पाओगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बलूचिस्तान। हमने अपने बलूचिस्तान के बॉर्डर को पार कर चुके हैं और ये हमारा पहला स्टॉप है कोटा जाने के लिए। और अभी फजर का टाइम हुआ था, हमने सोचा फजर की नमाज़ पढ़े आराम से, थोड़ा पेट्रोल के पंप पे थोड़ा पेट्रोल बढ़ाएं और फिर आगे जाएं। तो अभी तो यहाँ समझ ले 12 डिग्री चल रहा है, हम सिर्फ अभी कराची के 16 डिग्री से 12 डिग्री पे आए, तो हमारी हालत जाम पड़ी हुई है। तो अभी और हमें कोयटा में 1 डिग्री तक जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी हम हैं अपने दूसरे स्टॉप पे। 4 घंटे बाद हमने दूसरा स्टॉप लिया है, हम समझ ले खुजदार के रास्ते में हैं। खुजदार से तकरीबन 1-1.5 घंटे दूर होंगे हम। हमने थोड़ा चाय पराठे के लिए ब्रेक लिया है कि चाय के बगैर सर में सच्ची में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आज के दिन का 3रा स्टॉप आप देख सकते हैं हमारे पीछे पहाड़, खुजदार के पहाड़। खुजदार में हमने स्टॉप लिया एक और, अब डायरेक्ट हम यहाँ से कोटा जाएंगे और इंशाल्लाह आपको कोटा की ही डायरेक्ट हम फुटेज दिखाएंगे। फाइनली मैं यहाँ कोटा पहुँच चुका हूँ। एक होटल है जुल्फिकार होटल, उसमें मैंने अभी चेक इन किया है। ये होटल कम कॉटेज और हॉस्टल ज़्यादा लग रहा है। वेलकम टू कोटा। मुझे तकरीबन अभी 13 से 14 घंटे मुझे आने में लगे, और ये मेरा रूम जैसे आप देख सकते हैं बड़े रीजनेबल प्राइस में और अच्छा है। और इंशाल्लाह कल का जो प्लान है हम यहीं अभी रहेंगे, कोटा में रहेंगे, और परसों ज़ियारत के लिए हम निकलेंगे और फिर वहाँ जाके अगर स्नोफॉल हुई तो देखेंगे और खेलेंगे, वरना हमारी किस्मत। लेकिन अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा खाना पीना करने, क्योंकि 13 घंटे की ड्राइव हमने ना कुछ सही तरह खाया है ना पिया है, इससे हालत बुरी हो रही है, सांस फूला हुआ है।
तो अभी और कुछ नहीं कहता, पेट में चूहे दौड़ रहे, तो चलिए हम कहाँ जा रहे हैं बताइएगा दानिल साहब। हम अभी निकले हैं कोयटा की गलियों में, खाना खाने जा रहे हैं, अब देखें कहाँ पहुँचते हैं, बताएंगे आपको। चल के वॉकिंग करके सेहत के लिए अच्छी होती है वॉकिंग, वॉकिंग क्या अच्छी होती है, लेकिन रश इतना है कि गाड़ी निकालेंगे ना गाड़ी फंस जाएगी। पेट में चूहे दौड़ने के बाइस हम आए हैं भागते भागते हमारा फूटर रेस्टोरेंट, हमारा फूटर रेस्टोरेंट टिक्का विक्का देसी चीज़ें खाएंगे हम बैठ के, शोर है यहाँ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिएगा। मॉर्निंग फ्रॉम क्वेटा। तो अभी बज रहे हैं कुछ 8, सुबह के 8 बज रहे हैं, मुंह से धुएं निकल रहे हैं, बहुत सर्दी है, कुछ 2-3 डिग्री चल रहा है अभी यहाँ सुबह के। और आज का प्लान ये है कि अभी सुबह 10 बजे हम निकलेंगे ज़ियारत के लिए और देखते क्या होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ बहुत सर्दी है। तो आज हम क्वेटा से निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए, वहाँ पहुँचेंगे तो आज का भी शादी ही रहा, तीसरे दिन शायद हम वापसी यहाँ के रुके और बाहर कराची के लिए निकले। अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं तो अनटिल PCN ज़ियारत। तो होटल से चेकआउट करने के बाद हम जा रहे हैं नाश्ता करने, देखते नाश्ता कैसा है, नाश्ते की भी आपको शॉर्ट दिखाते हैं। तो अभी हम हैं ज़ियारत के रास्ते में, ज़ियारत से कुछ 24 किलोमीटर हम दूर हैं, रास्ते में थोड़ी कमर सीधी करने के लिए उतरे हैं, ऑन द वे टू ज़ियारत। फाइनली हमारा डेस्टिनेशन पूरा है, अभी ज़ियारत हम पहुंच चुके हैं। ठंडक तो इतनी नहीं है, गर्मी लग रही है, गर्मी नहीं धूप डायरेक्ट पड़ रही है तो अभी ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि अभी रात के वक्त प्रिडिक्ट है कि -6 तक जाएगा और स्नो भी है, स्नो से भी हम खेलेंगे और हम आपको सब साथ लेके जाएंगे। यार ये नहीं करा कर, यार ये नहीं करा कर, वीडियो बना रहा हूँ नहीं करा, एक और फेंक। हाँ ये बर्फ़ है जैसा आप देख सकते हैं, जैसी भी है हमने तो पहली बार देखी है और जो हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे।
ये तो नहीं बताया हम कहाँ के रुके हैं। हम अभी रुके हैं यहाँ पीडीडीसी होटल पीछे है, ज्यारत में ही है यार। पीडीडीसी होटल में रहे हैं हम यहाँ, और अभी तक तो हमारा अभी सही है, हमारी एक्सपेक्टेशन है। अभी हम जाएंगे बाज़ार की तरफ थोड़ी स्नोफॉल करने, थोड़ी स्नोफॉल का हम स्नोफॉल के साथ खेलने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मुनव्वर है हमारा दोस्त, कैमरामैन के साथ दानिश अली और दानियाल के साथ आपके मुनव्वर भाई दानिश खड़े पीडीडीसी पाकिस्तान टूरिस्ट डेवलपमेंट, ये जो हमारी पॉइंट बना हुआ है, ये हट बना हुआ है, और हमारे स्पेशल हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमें इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया है। हम कराची से क्लिफ्टन डिफेंस से आ रहे हैं, और नहायत ही बहुत ही अच्छा आला और बेहतरीन इंतज़ाम है, बेहतरीन इंतज़ाम है। आपको आना हो इसी जगह पे आओ, बेस्ट ऑफ लक। रात की इतनी भी देर नहीं हुई, कुछ 11 बज रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर हो गया -2, हालत फुल जाम हो चुकी है। और यहाँ के अगर बॉन फायर नहीं किया तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरा माहौल बनाकर और गाने सुनकर पूरा माहौल बना रहे हैं, और पूरे माहौल के साथ हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ज़ियारत एट -2 degrees, बर्फ अभी की अभी भी जमी हुई है, गाड़ी के अंदर जो पानी था वो भी जम चुका है, इतनी सर्दी है। और यहाँ 4 कपड़े पहनकर, और यहाँ देखें यह हालत चल रही है। मज़ा बहुत आ रहा है लेकिन ख्वारी भी उतनी हो रही है। तो भाई लोग जो आना देखकर और संभाल कर आना, मतलब हल्का सा पानी निकालने पर भी वो भी जम रहा है पानी, तो देख कर आना। और अभी शायद हम 0 point तक जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा बर्फ़ होगी, तो हम शायद स्नो में खेलें, शायद ना भी, क्योंकि हालत हमारी फुल जाम हुई हुई है। तो देखते हैं क्या करते हैं। सो फाइनली हम हैं 0 point पे, यहाँ सर्दी और भी है लेकिन धूप आ रही है तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, धूप है यहाँ। और ये है 0 point, आपको सही तरह हम शॉट दिखाते हैं। अभी हम थोड़ा सा टॉप पे जाएंगे और एक हट है वहाँ जाके बैठ के आपको अच्छा वाला शॉट दिखेंगे। चलिए कभी सुख भी हाँ देगी, ये देगी हसी रुलाएगी और खुद मनाएगी भी, रंगों में रंगेगी हमको सभी। देगी ये दुख भी कभी सुख भी हाँ देगी, ये देगी हसी रुलाएगी और खुद मनाएगी भी, रंगों में रंगेगी हमको सभी। अब 0 point पे चेकलिस्ट लगाकर हम जा रहे हैं बर्फ़ कहीं मिलेगी तो खेलेंगे और वहाँ की वीडियो भी बनाएंगे। तो 0 point के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्नो, जब ये अच्छी सी जगह मिली तो हम अभी यहाँ पिक्चर्स लेंगे, वीडियो भी लेंगे, और साथ साथ यहाँ स्नो भी एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। Oh,
Here's our playing boys. Playing guys. No. Snowman बनाते हैं. Snowman हाँ snowman बनाते हैं. नहीं इसको एक ना इस तरह वो मारो जैसे शवल ले लो वहाँ से शवल लो और है ना स्नोमैन बनाओ मेरे को ग्लव्स की बहुत जरूरत है यार ओए ओए मैं मजा आ रहा है। हम सारे सुना था कि एक दो हफ्ते पहले बर्फबारी हुई थी लेकिन ये लग नहीं रहा कि एक हफ्ते पहले हुई होगी लेकिन हमारा जो मकसद था ज़्यादा का आने का वो मेन था बर्फबारी और वो हमें मिल चुकी है। तो अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन है कैद आजम रेजिडेंसी। ये हमारी आज की आखिरी लोकेशन होगी इसके बाद हम कोयटा के लिए निकल जाएंगे लेकिन अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर घर इनका कैसा था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोयटा। कोयटा के नज़दीक ही है, कोयटा से 40 मिनट की दूरी पर एक अजवा होटल एक मशहूर जगह है। वहाँ का खाना सुना है अच्छा है तो हम अभी यहीं आए और यहाँ के आपको खाना चेक कराते हैं। तो सेकेंड डे इन कोयटा, कल रात में ही हम यहाँ पहुँचे और एक होटल थी राहिल होटल, हमने वहाँ चेक इन किया और मेरे हिसाब से ये होटल भी अच्छी है। और कल रात में आकर मैं इंतहाई गंदी वाली नींद में था कि आके सो गया तो कुछ व्लॉग नहीं कर पाया लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है और अभी हम सोच रहे हैं कि अभी जाएंगे अभी कहीं अच्छी जगह का नाश्ता करने। एक जगह किसी ने सजेस्ट की है तो वहाँ जाकर आपको बाकी बातें हम बताते हैं। तो अभी हम आए हैं नेमत का नाश्ता करने, किसी ने सजेस्ट किया था और ये मशहूर भी है तो चलिए देखते हैं क्या खासियत है। कोयटा में सेकंड डे हमारा और हम आए हैं अभी लोटा बाज़ार कोयटा। हाँ तो यहाँ अलग अलग तरह की समझ ले, कराची में बोल्टर मार्केट होता है उसी तरह का यहाँ सस्ता माल मिल रहा है तो हम ले भी रहे हैं। बाजार के बाद अब हमारा आखिरी और लास्ट स्टॉप है हन्ना लेक। अभी हन्ना लेक जाएंगे, एक घंटे की ड्राइव है, पहुँचते पहुँचते शायद मगरिब भी हो जाए लेकिन होप सो कि हमें कुछ देखने को मिले और लाइट में और अच्छा और वर्थ हो देखना।
तो चलिए तो हम पहुंचे थे हन्ना लेक थोड़ा सा लेट, इसलिए वहां अंधेरा हो चुका था और देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन वहां कुछ पठान डांस कर रहे थे, तो वो मुलाजिया फरमाइए। तो रात के हो रहे हैं अभी 5 और हम निकल रहे हैं अभी वापसी कराची के लिए, क्योंकि हमारा 4 दिन का। तो अभी हम अपने रास्ते में ही थे कराची जाने के लिए, तो लेकिन हमें नज़र आया एक बॉलिंग अरीना रास्ते में। तो हमने सोचा क्यों ना इतनी देर से हमने स्टॉप नहीं लिया, तो एक स्टॉप लेकर फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ा सा एक्साइटमेंट और एक थोड़ी इन्जॉयमेंट के लिए एक हम अपना बॉलिंग की गेम भी करते हैं। मज़ा बहुत आया। तो आज का ट्रिप हमारा यही कंप्लीट हुआ। अभी हम जाएंगे डायरेक्ट कराची, 12 या 13 घंटे की ड्राइव है। आराम से सो सोकर और आराम से जाएंगे। अभी यहाँ कोयटा में 3 डिग्री चल रहा है, 3 या 4 डिग्री चल रहा है। अभी भी धुएं शदीद निकले जा रहे। तो आज के लिए इतना ही। सो अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।